और जौनपुर में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ ने कलेक्ट्रेट परिसर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और शिक्षक नेता अमित सिंह का कहना है कि शिक्षकों की मांग सरकार को माननी चाहिए। भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन शिक्षकों और कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी को छीनने का काम किया गया। यहां तक कि अंग्रेज भी पेंशन देते थे, लेकिन भाजपा सरकार पेंशन नहीं दे रही। हमारा ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या भाजपा सरकार इन शिक्षकों की बात मानती है, क्योंकि यहाँ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि तमाम जो शिक्षक हैं यहाँ पर बैठे हैं, उनका विरोध प्रदर्शन जारी है काफी लंबे समय से, और एक ही मांग यहाँ पर की जा रही है कि जो पुरानी पेंशन सिस्टम है उसे वापस से बहाल किया जाए। आज अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में शिक्षक और कर्मचारियों के एक दिवसीय धरना जो है पूरे भारत में एक साथ सभी जनपद मुख्यालयों पर दिया जा रहा है, और इसमें हमारी प्रमुख मांग जो है पुरानी पेंशन है, और इसके लिए आज यहाँ हजारों की संख्या में शिक्षक और कर्मचारी जुटे हुए हैं। हम लोग जब तक हमको पुरानी पेंशन की डिमांड हमारी जो है नहीं मिल जाती, तब तक हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन का आयोजन करके अपनी मांग के लिए लड़ते। और इस बीच लोक निर्माण विभाग में पहुंचे जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने मंडलायुक्त रोशन जेकब का स्वागत किया, जिसके बाद मंडलायुक्त ने बचत भवन में विकास कार्यों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। और इसी दौरान मंडलायुक्त रोशन जेकब अपने रायबरेली जिले की सभी विकास कार्यों की योजनाओं के बारे में अधिकारियों से बातचीत करती नजर आई। इस बातचीत के दौरान जिले की सड़क व्यवस्था और सीवर लाइन व्यवस्था के विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली गई और उन कार्यों को पूरा जो नहीं किया गया है उन कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही साथ विकास कार्यों के लिए जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं उनको अपने समय से काम पूरा करने की हिदायत दी गई। हमारे जो रूटीन मंडलीय समीक्षा बैठक होती है जिसमें शासन की प्राथमिकता योजनाओं की हम लोग समीक्षा करते हैं, तो मंडलीय बैठक वैसे मुख्यालय पे होते हैं, तो मैंने इस महीने के लिए उसको एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में कराने का सोचा था। प्रत्येक जनपद में मैं जाके और मंडलीय अधिकारियों को वहाँ ले जाके तो योजनाओं की हम लोगों ने समीक्षा किया। काफ़ी चीज़ों में जनपद अच्छा कर रहा है, कुछ वीकलिंग है जिसके लिए सुझाव दिया गया है और विशेष निर्देश दिया गया। और अब रायबरेली से खबर है जो महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कुंबा गांव से एक घटना सामने आई। यहां नाले में डूबने की वजह से दो युवकों की मौत हो गई है। दरअसल दोनों ही युवक एक नाले में नहाने गए थे और नहाने के दौरान दोनों गहरे पानी में डूबते चले गए। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। ऐसे में ग्रामीणों ने नाले में कूदकर इन दोनों की तलाश शुरू की, लेकिन जब दोनों युवकों को नाले से बाहर निकाला गया तब तक उन दोनों की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और उन्नाव से खबर है जहां मोराबा थाना क्षेत्र के एक गांव में छेड़छाड़ के डर से एक छात्रा स्कूल जाने से कतराने लगी थी। दरअसल किसी दूसरे समुदाय के कुछ युवक उस छात्रा को लगातार छेड़ रहे थे और उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसी कारण ये छात्रा काफी परेशान हुई, जिसके चलते छात्रा ने समाधान दिवस पर उन्नाव के जिलाधिकारी से पूरा मामला बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन थानाधिकारी ने इस मामले को घुमा फिराकर लड़ाई झगड़े की धाराओं में इस पूरे सिलसिले को निपटा दिया था। ऐसे में पीड़िता ने एक बार फिर से जिलाधिकारी के पास जाकर पुलिस पर तहरीर बदलने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मैं मवई ग्राम सभा का निवासी हूँ। मैंने रोड पर जगह खरीद करके मवई लच्छी खेड़ा के बीच में अपना मकान बनवाया। दुर्भाग्य से मेरे वहाँ पर मुस्लिम बस्ती है। मैं 6 महीने से अपने घर में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। वहाँ पर मुस्लिम लड़कों द्वारा हमारी लड़कियों को परेशान किया जाता है लगातार, और इस बात को मैंने पहले गाँव के संभ्रांत व्यक्तियों को भी बताया। आखिरी में डीएम तहसील दिवस शनिवार को था, हमारी लड़कियों हमारी वाइफ और हमने दिया उन डीएम साहिबा को, उस पर कोई कार्रवाई उन्होंने उस तरह की नहीं की और लड़कों को गिरफ्तार किया और 2 दिन बाद। और उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से खबर सामने आई है जहां नकली मसालों के कारोबार का पर्दाफाश किया गया। कारोबारी नकली मसालों को चटकारेदार मसाला बनाकर पूरे प्रदेश में सप्लाई कर रहे थे, और ऐसा ही एक मसाला फैक्ट्री आस्था एंटरप्राइज का भांडाफोड़ खाद्य विभाग की टीम के साथ साथ आरएनयूज की टीम ने किया है।
डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में जिसका भांडाफोड़ खाद विभाग की टीम ने किया है। ऐसे में इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में पदार्थ बरामद हुआ है। फिरोजाबाद की सीमा से सटे हुए खेतों के बीचों बीच बसे इस गांव में, जिसका नाम ललुआ बताया जा रहा है, वहां पर चक्रेश शर्मा की ठार पर संचालित हो रही नकली मसाले की इस फैक्ट्री में रखे गए कई कुंतल तैयार मसालों के साथ साथ इस फैक्ट्री को अब सील कर दिया गया है। सबसे बड़ी और सबसे खास बात यह रही कि इस फैक्ट्री का मालिक प्रदीप कुलश्रेष्ठ सत्ताधारी पार्टी के सफेद पोशों की गोद में बैठकर ये काले कारनामों को अंजाम दे रहा है। इतना ही नहीं बल्कि कई साल पहले भी इसी तरह की इस फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन रसूख के चलते फिरोजाबाद प्रशासन ने कुछ नहीं किया और फैक्ट्री एक बार फिर से संचालित होना शुरू हो गई। अब एक बार फिर से इस फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई है। अब देखना ही है कि ये कार्रवाई आखिर आगे क्या अंजाम लेती है या एक बार फिर से इस फैक्ट्री को घुसखोरी के बाद खोल दिया जाता है। ये फैक्ट्री लालाऊ रोड पे स्थित है और आस्था इंटरप्राइजेस के नाम से संचालित है। 2018 से इनका निर्माण कार्य चल रहा है और इनके यहाँ छापेमारी में काफ़ी सारी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसमें साइट्रिक एसिड और कुछ पौधे के भूसे और पाउडर्स बरामद हुए हैं, जिनको काफ़ी मतलब गधे की लीद या घोड़े की लीद होने की संभावना बताई जा रही है। इस पर फैक्ट्री को सील करके आगे की कार्रवाई की। और अमेठी में घर के अंदर दो मासूम बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बच्चों के नृशंस हत्या का यह मामला सामने आया है, जहां पर मां को भी फांसी के फंदे से लटकाकर मार दिया गया। पुलिस इस घटना को अलग ही मोड़ दे रही है। घटना शिवरतगंज थाना क्षेत्र के कुखा रामपुर की है, जहां पर घर के अंदर से एक महिला का शव फांसी के फंदे से लटका मिला और दो बच्चों का जो शव है वो भी गंभीर अवस्था में मिला है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।